विश्वास है कि गवर्नर बना दो तो क्या ये कोई घटना मानते हैं आप? अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दलित का बेटा को जिसको मैंने चीफ मिनिस्टर बना दिया आप गवर्नर बना दीजिए तो क्या गलत कह दिया माननीय मुख्यमंत्री ने? दलित का बेटा तो नहीं कहा, तुम तराक और ये देखिए ये हम उम्र है ना। अच्छा हम उम्र हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों में इतनी मित्रता भी है और देखिए कितने काबिले तारीफ है कि बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने दलित के बेटा को चीफ मिनिस्टर बना दिया और भाजपा को जब उन्होंने कहा कि गवर्नर इनको बना दीजिए तो बड़ा हंगामा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आपको लग रहा है कि दलित का बेटा, लेकिन मांझी जी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का दिमाग जो है वो हिल गया है और वो सही स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं महिलाओं को लेकर के। देखिए इस देश में वफादारी, ये सोशलिस्ट या जो सामाजिक न्याय के योद्धा थे वो हमेशा से वफादारी पे राजनीति करते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कोई भी शब्द बोलने के पहले अपने अंदर वफादारी और ईमानदारी को लाना चाहिए। आपको मुख्यमंत्री बना दिया और भाजपा से वो लगातार अपील कर रहे हैं कि हमें जो है जीतन राम मांझी जी को गवर्नर बना दी, यही तो कह रहे हैं वो। तो बोल रहे हैं कि उनके पास योग्यता अगर नहीं थी तो 1980 से जीतते आ रहे हैं ना वो लगातार विधायक रहे हैं। मंत्री से पहले एक चीज बताइए, कांग्रेस उनका वोट, लालू यादव उनका वोट, बाद में नीतीश कुमार उनका वोट, कहां अपने से जीतते आ रहे हैं जरा हमको समझाइए। तो भाई अगर आप आजीवन एक दल में रह के अपने बल पे जीतिएगा तो आपकी ताकत, लगातार लोकसभा का टिकट मिला कहां गई आपकी ताकत? हर वर्ष मतलब हर 5 वर्ष में अपने क्षेत्र को बदल देना क्या उनकी ताकत है? मंत्री जी, मंत्री जी सारे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जिन शब्दों में नीतीश कुमार ने मांझी को बोला, अगर क्या वो शब्द, अगर क्या वो भाषा मर्यादित अगर, था अगर 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 तुम ताम सुन लीजिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जीतन राम मांझी जी को गवर्नर बना दीजिए, अगर आपको यह बात अपमान समान लगता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? भाजपा को नहीं, उन्होंने भाजपा कहा इसको बनाया गया, मेरी मूर्खता भाई, हम उम्र में ये सब चलता है, हम उम्र हैं। हम तो बस एक ही बात कहेंगे कि जो बिहार के मुखिया ने दलित के बेटा के लिए गवर्नर की मांग किया आप उसको क्यों नकार रहे हैं? उन्होंने यही कहा कि एक दलित का बेटा है, मैंने मुख्यमंत्री बनाया था, आप गवर्नर बना दो। जी का गुस्सा जायज था, सदन के अंदर वो गुस्सा जायज था। आप फुटेज निकाल लीजिए, उनकी मुस्कुराहट को देख लीजिए ना, उनकी मुस्कुराहट को अगर आप गुस्सा कहते हैं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं।